रात की 2 बजी थी। मेरे एक हाथ में किताब और एक हाथ में चाय की प्याली थी। उस काली रात में जब मैं अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तब मन में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उस रात के सन्नाटे में भी मेरे मन में कई सारी आवाज़ें शोर करने लगी। मैंने चाय का एक घूंट लिया और खुद से पूछा, आखिर किस दलदल में फंस चुकी हूँ। अपने आप को मानो किसी कैद खाने में कैद पाती हूँ। जब मेरी उम्र के लोग अपनी ही मस्ती में मस्त मगन हैं, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में बस पढ़ाई, किताबें और ये चार दीवारें हैं। कल चाची घर पे आ रही है। मेहमानों के आने की खुशी से ज्यादा तो मेरे मन में एक घबराहट होने लगती है। जब वो कल आकर पूछेगी, बेटा अब तक सीए की ही पढ़ाई कर रहे हो, सवाल तो बस एक बार मन में दस्तक दे जाता है, पर वो कई दिन तक मन में घर कर जाता है। मैं मेरे सपने में इस तरह खो गई कि मैंने सपने में भी मेरे माँ पापा के आंखों में एक अजीब सी नमी देखी और मैंने खुद से पूछा, क्या मुझ में ही कोई कमी थी। पर बहुत सोच विचार करके जब मैंने खुद के गिरेबान में झांक कर देखा, तो बस एक तसल्ली से मिली कि कोशिश तो ज़रूर मैंने पूरी की थी। मैं अपने कमरे में वापस आई और बस एक बात सोची, आखिर ये सब शुरू ही क्यों हुआ। आखिर मैंने सीए करने का फैसला लिया ही क्यों था। बस सिर्फ एक सवाल मात्र से मेरे कई सारे सवालों का जवाब हल सा हो गया। सीए बनने का मेरा सपना जो कई किसी बोझ के कारण दब सा गया था, वो आज मानो रोशन सा हो गया। एक सपने ने मुझे मेरे सपने का एहसास दिला दिया और मैंने बस खुद से बस एक बात कही, अब मंजिल कितनी भी ऊंची रहने दो, रास्ता मेरे पैरों के नीचे है। बस अब एक ही अरमान है, सीए बनकर दिखाना है, सीए बनकर दिखाना है। कोई भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती, पर अगर मन में हौसला हो तो असंभव भी नहीं होती। बस अब चलना है, दौड़ना है, उड़ना है, बस रुकना नहीं है। एक जुनून की लहर जब मन में दौड़ती है, तब एक धुंधली सी मंजिल भी साफ नजर आने लगती है। बस अब एक आखिरी पड़ाव बचा है, थक भी गए फिर भी डटे रहना है। इतने साल की मेहनत जो इस मिट्टी पर की है, उसे बस अब कुछ और ही दिन सींचना है। फिर आंधी आए या तूफान आए, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। बस मेहनत और सिर्फ मेहनत करनी है खामोशी से, ताकि सफलता ऐसा शोर मचाए जिसके लिए हम कितने वक्त से हैं तरसे। जब भी कोई परेशानी हो या पढ़ाई करने का मन ना करे, तब सिर्फ एक ही बात सोचना कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला एंड मोमेंट पे आके छोड़ देता है। किसी चीज को दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस एक ही ख्याल, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, सीए अब बन कर दिखाना है, सीए अब बन कर दिखाना है। That's it guys, I'm really feeling nostalgic and emotional as of now because
मेरे दिन याद आ गए मुझे पढ़ाई के, एंड इट रियली फील्स कि जब सीए की पढ़ाई करते हैं क्या क्या इमोशंस रहते हैं, ये बताया है मैंने इस पोएम में. आई होप यू आर मोटिवेटेड एंड ऑल बूस्टेड टू स्टडी फर्दर. एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको अच्छा लगा है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी यू थिंक ये हेल्पफुल रहेगा, जब भी वेन एवर यू फील डाउन, ये छोटी सी पोएम बस याद कर लो, छोटी सी पोएम सुन लो, एंड सीरियसली यू विल फील ऑल द मोर बूस्टेड. इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सो शेयर इट विद एज मेनी एज यू कैन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज. एंड येस, प्लीज कॉमेंट दैट आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट शॉट फॉर द नेक्स्ट 20 days. Please let us spread this positivity around. Till then, believe in yourself. This is me signing out. Ta-ta.